नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गॉस के नियम के बारे में। जी हां, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा और साथ ही साथ गॉस का नियम भी आपको बढ़िया से समझा दूंगा। जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो यदि आप को भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठाने हैं तो प्लीज इस गॉस के नियम को बढ़िया से समझ लीजिए। तो चलिए हम इस शानदार टॉपिक को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, चैनल पर नए आए हुए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी गॉस के नियम के बारे में। ये जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ये गॉस का नियम है। भाई गॉस के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो फ्रेडरिच नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसमें क्या किया, गॉस का नियम दिया। आखिर ये गॉस के नियम का कथन क्या है, मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बारीकी से समझा देता हूँ। लिखा गया है किसी बंद पृष्ठ से, चलिए एक बंद पृष्ठ हम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बंद पृष्ठ बना लिया, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कोई रेखा आपको गुजार देना है, तो चलिए मैंने गुजार दिया, ठीक है। गुजरने वाली कुल वैद्युत, देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसके लिए यहाँ पर ई लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? ई, ओके। उसके बाद फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध है, कह रहा है कि ये जो पृष्ठ है इससे परिबद्ध के जगह पे आपको लगाना है बराबर का निशान, तो कुछ इस तरह के हम बराबर का निशान लगा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे देखते हैं। परिबद्ध कुल आवेश, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो चलिए हम यहाँ क्यू लिख दें, कुल आवेश, यहाँ क्यू दिए हुए हैं, आवेश को यहाँ क्यू। कुल आवेश का मतलब क्या होता है, गुना, तो मैंने गुना लिखा, वन अपाउंट एप्सिलॉन गुना होता है, तो वन अपाउंट एप्सिलॉन हमने लिख दिया, ओके। तो ये हुआ, ये जो नियम आया दोस्तों, ये क्या आया, ये नियम आया गॉस का नियम, ठीक है। इसमें बारीकी से मैं और समझाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ये जो नियम, अगर कोई पूछे कि गॉस के नियम को समझाएं, तो ये लिख करके ये आप बना सकते हैं, यही गॉस का नियम है, ठीक है। लेकिन इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। अगर कहीं किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होना यार, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, ठीक है। लिखा गया कि किसी बंद पृष्ठ, देखिए कोई बंद पृष्ठ है, मतलब ये देखिए इस तरह से कोई बंद पृष्ठ था, पृष्ठ से गुजरने वाली ये गुजरने वाली रेखा हो गया, ठीक है। और गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए आपको क्या लिखना है, ई। अगर कहा जाए तो ये पूरा को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उस पृष्ठ से परिबद्ध के लिए आपको बराबर लगाना है, इस पृष्ठ से परिबद्ध यानी बराबर लगाना है, ठीक है। फिर परिबद्ध लगाएं, फिर कुल आवेश को हम क्यू से, यानी कुल आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश का मतलब गुना, एक अपाउंट एप्सिलॉन गुना होता है, तो वन अपाउंट एप्सिलॉन मैंने दे दिया। ये जो नियम है यही है भाई, किसका नियम, गॉस का नियम, ओके। हाँ तो भाई ये जो सूत्र जो देख रहे हैं, ये जो आया भाई, इस सूत्र को हम पढ़ेंगे क्या, तो इसको हम पढ़ेंगे फाई ई इक्वल क्यू गुने वन अपाउंट एप्सिलॉन, ये हम पढ़ेंगे इस सूत्र को, ठीक है। यही हमारे गॉस के नियम से सूत्र का निर्माण हुआ, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस सूत्र को, ओके। तो ये तो नियम समझ गए, अब बात आती है कि भाई वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये जो वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं ये क्या है, तो मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाता है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत फ्लक्स, अब मैं आपको समझा देता हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ओके दोस्तों। यहां लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी, आइए मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। सबसे पहले यहां लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में, तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, वैद्युत क्षेत्र मैं बना लूंगा, तो चलिए इस तरह से आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र बना लेना है, ओके। मैं चलिए हम बना लेते हैं,
ओके, मैंने यहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखा मैंने बना लिया। बनाने के बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ यानी कोई पृष्ठ यानी सतह होना चाहिए। तो चलिए मैं इसमें एक सतह बना लेता हूँ, यहाँ से एक सतह बना लिया। ओके, देन बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र यानी एक पृष्ठ बना लिया। अब इस पृष्ठ में भी क्या करना है, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा को गुजारना है। तो कैसे गुजारेंगे, कुछ इस तरह से गुजारेंगे, जैसे कि यहाँ से ऐसे गुजारेंगे, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मैं इस तरह से गुजार रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने गुजार दिया। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजार दिया, तो गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा की कुल संख्या यानी जितना भी संख्या इसका वैद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या करा कि कुल संख्याओं की माप, इसका जो ये कुल संख्या जो होगा ये कुल संख्याओं की माप उस पृष्ठ, किस पृष्ठ का करा, उस पृष्ठ यानी ये जो पृष्ठ देख रहे हैं, मैंने यहाँ से एक पृष्ठ बनाया, उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब बात आती है कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है, देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रेजेंट करते हैं, किसे, फाई ई से प्रेजेंट करते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र जो होता है, सूत्र यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है कि फाई ई क्या होगा दोस्तों, फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, ये सूत्र है वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए आए हुए पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो आपकी मर्जी, कीजिए या नहीं कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।